बाहर करें जो अभी भी मूवमेंट कर रहे हैं, और वहाँ पर अपने जो प्रशासनिक उनका ताकत है, जो उनकी अपना रसूख है, और जिस तरह से वो सत्ताधारी दल का एक ध्वंस होता है उसके बल पर, धनबल के बल पर जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं जेडीयू की अंदर जो एक निराशा है कुशेश्वर स्थान क्षेत्र को लेकर, उसी का ये प्रकटीकरण है। लेकिन चुनाव आयोग तत्काल इसमें कठोर कार्रवाई करे, नहीं तो मैं समझता हूँ रिटेन में भी हम लोग इस पर कंप्लेन करने जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। इसी क्रम में कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि संजय झा मतदाताओं के बीच पैसा बांट रहे हैं और सरकार में मंत्री होने का ध्वंस जमा रहे हैं। यहाँ तक के भी उन्होंने कह दिया है कि जो उनके प्रशासन हैं उन्हीं को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। तमाम गाड़ियों का हुजूम लेकर के दोनों क्षेत्रों में वो घूम रहे हैं और यहाँ जेडू का झंडा लहराते चल रहे हैं। चुनाव आयोग से उन्होंने अपील की है कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कड़ा से कड़ा एक्शन लें, ताकि आगे चल के भी चुनाव पर कोई असर न पड़ सके, मतदाताओं के बीच में भी कोई असमंजस की भी जो है आशंका वो न बढ़ सके। आगे आप सुनिए कि आरोप लगाते हुए कि और क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा। लगातार बड़ी संख्या में बिहार सरकार के मंत्री, खासकर जेडीयू से जुड़े मंत्री और कई बीजेपी से जुड़े मंत्री यहाँ कैंप कर रहे हैं। कैंप करने पर किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरह से संजय झा सहित कई मंत्री यहाँ खुलेआम चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करके दर्जनों गाड़ियों के काफला के साथ घूम रहे हैं, अब तो कल रात से पता चला कई जगह इन्होंने पैसे बांटने शुरू किए हैं, लोगों को डराना धमकाना शुरू किया जो उनके अनुकूल नहीं हो रहे हैं, तो आखिर चुनाव आयोग और उनका जो प्रस्थापित अधिकारीगण हैं, जो इस चुनाव में देख रहे जो पर्यवेक्षक हैं, वो इन चीज़ों के इस मूवमेंट पर क्यों नहीं नज़र बना रहे हैं? आखिर ये धन बल से और प्रशासनिक तंत्र के सहारे जेडीयू चुनाव लड़ना चाहती है। आखिर जेडीयू को इतना डर क्यों हो रहा है कि वो यहाँ चुनाव हारने जा रहे हैं? तो आखिर आप हारने जा रहे हैं तो इसके लिए प्रशासनिक क्षमता का, प्रशासनिक ताकत का, अपने राजनीतिक रसूख का और जो मंत्री होने का जो दबदबा होता है उसके बल पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ मिला के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ चुनाव आयोग से हमारा आग्रह है इमीडिएट इन मंत्रियों को क्षेत्र से बाहर किया जाए और इनके मूवमेंट पर नज़र रखी जाए। आखिर क्या वजह है? बाकी कांग्रेस के लोगों की गाड़ियां धरपकड़ हो रही है, कहा जा रहा है कि आप क्यों जा रहे हैं, आपके साथ इतने मोटरसाइकिल क्यों चल रहा है, झंडे लगाए क्यों जा रहे हैं। एक तरफ कानून का पाठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आप पढ़ा रहे हैं और जेडीयू से जुड़े मंत्रियों के तरफ प्रशासन ने आंख मूंद रखा है। चुनाव आयोग को तत्काल कुशेश्वर स्थान में इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है और संजय झा सहित तमाम उन मंत्रियों को क्षेत्र से बाहर करें जो अभी भी मूवमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर अपने जो प्रशासनिक उनका ताकत है, जो उनकी अपना रसूख है और जिस तरह से वो सत्ताधारी दल का एक ध्वंस होता है उसके बल पर, धनबल के बल पर जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं जेडीयू की अंदर जो एक निराशा है कुशेश्वर स्थान क्षेत्र को लेकर, उसी का ये प्रकटीकरण है। लेकिन चुनाव आयोग तत्काल इसमें कठोर कार्रवाई करे, नहीं तो मैं समझता हूँ रिटेन में भी हम लोग इस पर कंप्लेन करने जा रहे हैं।